दोस्तों अमरजीत जयकर, दोस्तों बिहार का यह एक ऐसा वायरल लड़का है जो कि अपने मधुर आवाज के दम पर पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों का दिल जीत लिया है। और दोस्तों अमरजीत जयकर इंडियन आइडल के शो में काफी नाम कमाया है। और दोस्तों हाल ही में एक दो दिन पहले अमरजीत जयकर का एक सॉन्ग आया है और दोस्तों सॉन्ग का टाइटल है तेरी आशिकी ने मारा 2.0। और दोस्तों अमरजीत जयकर का यह तो गाना एकदम पब्लिक के बीच एकदम आग लगा कर रख दिया है। और दोस्तों अमरजीत जयकर का पहला ही गाना दो दिनों में 14 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है और दोस्तों 5 लाख से ज़्यादा लाइक आ चुके हैं। और दोस्तों सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि अमरजीत जयकर का यह गाना पूरे YouTube पर 3 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों अमरजीत जयकर का टैलेंट देखकर भोजपुरी इंडस्ट्री के चहेते कलाकार खेसारी लाल यादव ने भी अमरजीत जयकर की काफ़ी तारीफें की। बिहार का एक सिंगर बड़ा वायरल हो रहा है, अमित नाम है उसका, अमरजीत नाम है अमरजीत जयकर। सोनू सूद साहब ने उसी वीडियो शेयर की, कहा कि मैं अपने गाने अपने फिल्म में गाने का मौका दूंगा। देखा भाई कुछ ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल है, अगर वो देखिए अब उनको तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है सोनू सूद जैसे, और हिंदी में गाने का मौका मिला है, तो मैं तो कभी नहीं चाहूँगा कि वो भोजपुरी में आकर करे कुछ, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म बड़ा है उनके लिए, वो प्लेटफॉर्म बड़ा है और हमारे लिए गर्व की बात है। अगर वो करना चाहते हैं, अगर उनको लगे कि नहीं अपने भाषा के लिए हमें कुछ करना चाहिए, तो हम हमेशा उनके लिए खड़े हैं। और मेरी तरफ से उनके लिए शुभकामना है कि जयकर जी आप अपने भाषा के साथ और अपने मिट्टी के साथ अपने भाषा को और अपने आप को और हम सबको इतना बड़ा कर दीजिए कि हम भी बोले कि हमारे बिहार के हैं ये, और इन्होंने इतना बेहतर काम किया है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा ही कि खेसारी लाल यादव भी अमरजीत जयकर की काफ़ी तारीफें करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों आज अमरजीत जयकर के एक मधुर आवाज ने पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री तक का पूरा दिल जीत लिया है। और दोस्तों अभी के टाइम में हर बड़े बड़े सेलिब्रिटी अमरजीत जयकर से मिलने को चाह रहा है। लेकिन दोस्तों अमरजीत जयकर का टैलेंट आप सभी को कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ गाइज, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।